हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस लेक्चर में जिसमें हम पढ़ रहे हैं यूपीपीएससी का फुल सिलेबस। और ये सिलेबस का आई थिंक 20वां जो पार्ट है वो हम पढ़ने वाले हैं, पॉलिटिक्स एंड टाउन प्लानिंग। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। साथ ही अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जो कि डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, तो आप टेलीग्राम चैनल भी वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो इंटरफेस बिटवीन पॉलिटिक्स एंड प्लानिंग, एनर्जी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्लान्स, पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आइए पढ़ते हैं। पॉलिटिक्स एंड टाउन प्लानिंग, द इंटरसेक्शन ऑफ पॉलिटिक्स एंड टाउन प्लानिंग इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। पॉलिटिक्स डिसीजन पॉलिसीज एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द प्लानिंग डिजाइन फंक्शनिंग ऑफ द सिटीज। हियर आर सेवरल वे इन विच पॉलिटिक्स एंड टाउन प्लानिंग आर इंटरकनेक्टेड। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है कि कई बार जो टाउन का अच्छा या बुरा होना वो किस पे डिपेंड करता है, पॉलिटिक्स पे, साथ ही गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ना, और गवर्नमेंट कितनी सीरियस है उन पॉलिसीज़ को धरातल पे उतारने के लिए, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है ना। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड प्लान इम्प्लीमेंटेशन। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, टाउन प्लानिंग इज गाइडेड बाय पॉलिसीज फॉर्मुलेशन वेरियस लेवल इन गवर्नमेंट एंड दिस पॉलिसीज आर ऑफन इन्फ्लुएंस बाय पॉलिटिकल आइडियोलॉजी प्रायोरिटीज एंड एजेंडाज। तो जैसे हम यूपी के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली जो चीज़ें हैं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। जैसे आप देखेंगे कि वाराणसी में जो सांसद हैं वो खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो वाराणसी का जो एरिया का जो विकास है ये किसी दूसरे एरिया का विकास से बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। वो प्रायोरिटी पर रहेगा, वहाँ के जो अफसर हैं वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वहाँ की थोड़ी मजबूत रहेगी, ज़्यादा लोग काम करेंगे, है ना। तो वो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि जो बड़े नेताओं का संसदीय क्षेत्र होता है या विधानसभा क्षेत्र होता है, योगी जी का जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ डेवलपमेंट में कोई चीज़ नहीं रुकेगी, है ना। तो प्रायोरिटीज़ बन जाती है, एजेंडा बन जाता है कि यार मेरा एरिया है, मुझे सही कराना है। फिर आता है इम्पैक्ट ऑफ प्लानिंग। चेंजेस इन पॉलिटिकल लीडरशिप कैन लीड टू शिफ्ट्स इन प्लानिंग प्रायोरिटीज रिजल्टिंग इन अल्टरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्लान और दी इंट्रोडक्शन टू न्यू अर्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज। अब कई बार क्या होता है कि अगर पॉलिटिकल लीडरशिप चेंज हो रही है, मान लीजिए एक सरकार जाती है दूसरी सरकार आती है, तो मान लीजिए अखिलेश यादव है आ गए, अब मान लीजिए अगली बार तो वो उनके जहाँ पर भी एरिया है उनका, जहाँ पर वो हमेशा लड़ते हैं सांसद का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, उस एरिया को चमकाने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स है वो उसको मतलब अफेक्ट करती है। रिसोर्स एलोकेशन एंड बजटिंग। पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, द एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज अ पॉलिटिकल डिसीजन। बजट रिफ्लेक्ट द प्रायोरिटीज ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स एंड गवर्नमेंट इन पावर। तो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, तो फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज एलोकेशन होता है, मैंने आपको बोला ना कि जो सीएम का एरिया होगा या जो बड़े नेता का एरिया होगा, जो वित्त मंत्री का एरिया होगा, जो शहरी विकास मंत्री का एरिया होगा, उस एरिया में ज़्यादा बजट एलोकेट होगा, ज़्यादा चीज़ें होगी, है ना। इम्पैक्ट ऑन प्लानिंग, अगर लिमिटेड रिसोर्सेज और चेंजेस इन फंडिंग प्रायोरिटीज कैन अफेक्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ अर्बन सर्विसेज। अगर आपने जो प्रोजेक्ट प्लान कर रहा है उसमें थोड़ा सा भी अगर आपने पैसों का हेरफेर करा, फंड का हेरफेर करा, तो उसकी ओवरऑल क्वालिटी पे कहीं ना कहीं फर्क आ सकता है। लैंड यूज जोनिंग पॉलिटिकल डिसीजन। लैंड यूज एंड जोनिंग रेगुलेशन आर ऑफन शेड बाय पॉलिटिकल डिसीजन रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड सोशल इक्विटी। अब कई बार क्या होता है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के कारण जो इकोनॉमी के लिए, मान लीजिए कोई मेरा दोस्त है, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मुख्यमंत्री हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, तो मैं अपने जो बिजनेस पार्टनर हैं, जो दोस्त हैं, उसको मैंने एक लीक से अलग हट के जो एरिया था उस जगह पे मैंने उसको सस्ती ज़मीन दिलवा दी, सोशल इक्विटी का मैंने ध्यान नहीं रखा, मैंने अपने समाज वालों को ज़्यादा, ऐसी चीज़ें होती है। अब इसका क्या इंपैक्ट आता है, चेंजिंग जोनिंग लॉज लैंड यूज पॉलिसीज कैन इन्फ्लुएंस द टाइप एंड डेंसिटी ऑफ डेवलपमेंट इन स्पेसिफिक एरिया अफेक्टिंग द ओवरऑल अर्बन लैंडस्केप। तो जब इस टाइप की जोनिंग लॉज को अगर हम चेंज करते हैं तो उस एरिया में डेंसिटी चेंज हो सकती है और ओवरऑल अर्बन लैंडस्केप है वो चेंज हो सकता है। पब्लिक पार्टिसिपेशन एंगेजमेंट, पॉलिटिकल विल, द डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द प्लानिंग प्रोसेस इन्फ्लुएंस बाय द पॉलिटिकल विल ऑफ लीडर टू एंगेज सिटीजन इन डिसीजन मेकिंग। अब उस एरिया में अगर मान लीजिए पॉलिटिशियन अच्छा नहीं है या सरकार दूसरी है, तो उस एरिया पे जो है कम ध्यान दिया जाता है, फिर लोगों की जो बोल सकते हैं कि पार्टिसिपेशन भी उस लेवल का नहीं होता। इम्पैक्ट ऑन प्लानिंग, अ लैक ऑफ पॉलिटिकल कमिटमेंट टू इंक्लूसिव प्लानिंग में लिमिट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डाइवर्स कम्युनिटी वॉइसेज पोटेंशियल लीडिंग टू प्लान दे डू नॉट एडिक्वेटली एड्रेस लोकल नीड्स। तो अगर पॉलिटिकल विल नहीं होगी, आपका नेता अगर अच्छा नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं वो जो प्रोजेक्ट लाने वाले हैं, जो कमिटमेंट वो दे रहा है, वो पूरी नहीं कर पाएगा, कम्युनिटी की वॉइस जो है नहीं सुनी जाएगी और जो लोकल नीड्स हैं उनको वो एडिक्वेटली एड्रेस नहीं हो पाएगी।
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पॉलिटिकल प्रायोरिटीज। दी चॉइस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सच एज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यूटिलिटीज पब्लिक एयर स्पेस इज ऑफन इन्फ्लुएंस बाय पॉलिटिकल प्रायोरिटीज। मैं आपको बोल रहा हूँ कि पॉलिटिकल प्रायोरिटीज को ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं। अब मान लीजिए मेरा इस पर्टिकुलर एरिया में कोई रिलेटिव है, वो उसका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, यूटिलिटीज का बिजनेस है, तो मैं यहाँ पर एक नया प्लान लेके आ जाऊँगा, है ना, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अर्बन प्लानिंग मस्ट अलाइन विद पॉलिटिकल गोल्स टू सिक्योर फंडिंग एंड सपोर्ट फॉर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अब जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, जैसे मान लीजिए आपको सिटी के बीच में फ्लाईओवर बनाना है, मेट्रो रेल की लाइन बनानी है, इसमें बहुत ज़्यादा बजट लगता है, तो अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी, पॉलिटिकल गोल्स नहीं होंगे, तो उसके लिए फंड हमें प्रोवाइड नहीं होंगे। एनवायरमेंटल पॉलिसीज पॉलिटिकल कमिटमेंट पॉलिसीज रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन सस्टेनेबिलिटी क्लाइमेट रेजिलेंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल लीडरशिप कमिटमेंट टू दीज इश्यूज। जो एनवायरमेंट से रिलेटेड जो पॉलिसीज आ रही है उसका कितने अच्छे तरीके से मतलब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लीडर्स के कमिटमेंट इस इशू पर उस पर डिपेंड होती है। प्लानिंग डिसीजन सच एज ग्रीन स्पेस एनर्जी फिन बिल्डिंग सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट रिफ्लेक्ट द पॉलिटिकल स्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न। तो जो एरिया में पॉलिटिकल वहाँ का अगर एनवायरमेंटल को लेकर ज़्यादा कंसर्न है, तो वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी इफिशियंट बिल्डिंग कितनी है, ग्रीन स्पेसेस कितनी प्रोवाइड की जा रही है, वो कहीं ना कहीं हमें उस एरिया में देखने को मिलता है। अफोर्डेबल हाउसिंग एंड सोशल इक्विटी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज पॉलिटिकल लीडर्स आइडियोलॉजीज एंड कमिटमेंट टू सोशलाइज इक्विटी इन्फ्लुएंस डिसीजन रिलेटेड टू द अफोर्डेबल हाउसिंग इनकल्सिव डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन। अगर पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, अगर वो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को लेकर काम करें, जैसे नरेंद्र मोदी सरकार ने बोला था कि वो 2 करोड़ जो हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के घर 2022 तक प्रोवाइड कराएगी, उसमें से उन्होंने शायद 75 लाख या 1 करोड़ घर प्रोवाइड करा चुकी है, तो वो पॉलिटिकल विल और उसकी तरफ आप पॉवर्टी रिडक्शन की तरफ आप कितना काम करना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग की मैं आपको बता चुका हूँ कि 2 स्कीमें होती है ना, जनरली मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, है ना। जब कांग्रेस सरकार थी तो रे चलती थी, राजीव गांधी आवास योजना, जो कि जनरली झुग्गी झोपड़ियों के लिए काम में आती थी। टाउन प्लानिंग इनिशिएटिव कैन इनकॉर्पोरेट अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसीज सोशल इंक्लूजन मेजर्स बेस्ड ऑन दी पॉलिटिकल प्रायोरिटीज ऑफ गवर्निंग बॉडी। तो जो टाउन प्लानिंग के जो इनिशिएटिव्स हैं वो इनकॉर्पोरेट कर अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसीज को इनकॉर्पोरेट करके काम कर सकते हैं। सोशल इंक्लूजन जो मेजर्स हैं, जो भी गवर्निंग बॉडी है उसको मतलब वो कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकता है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पॉलिटिकल विल द स्ट्रेंथ एंड इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग रेगुलेशन एंड इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म डिपेंड ऑन द पॉलिटिकल विल टू एस्टेब्लिश एंड अपहोल्ड दीज फ्रेमवर्क्स। तो पॉलिटिकल विल मतलब काम करने की जो उसकी इच्छा है, तो प्लानिंग की जो रेगुलेशन है उनका एनफोर्समेंट है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल के ऊपर काम करता है। वीक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैन लीड टू अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट वाइल स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क कंट्रीब्यूट टू ऑर्डरली एंड सस्टेनेबल अर्बन ग्रोथ। अगर वहाँ पर वीक फ्रेमवर्क हुआ, मतलब बोल सकते हैं कि अगर आपने छूट देते गए धीरे धीरे कि नहीं आप यहाँ रहने लग जाओ, ये करने लग जाओ, तो झुग्गी झोपड़ियों को हटाने के लिए भी एक पॉलिटिकल विल चाहिए कि नहीं मुझे यहाँ से इनका सफाया करना क्योंकि मुझे शहर को बचाना है, है ना। तो कहीं ना कहीं उसके लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है अधिकार आ जाते हैं, मानव अधिकार वाला आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं परेशानी आती है। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में पॉलिटिकल विल बहुत ज़्यादा जरूरी है उसको प्रोवाइड करना, है ना। इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ ग्लोबल ट्रेंड्स पॉलिटिकल कंसिडरेशन इंटरनेशनल रिलेशन एंड ग्लोबल पॉलिटिकल ट्रेंड्स कैन इन्फ्लुएंस अर्बन प्लानिंग especially in terms of attracting foreign investment, participation in global sustainability initiatives, adopting international best practices. तो जो global level पर जो sustainability initiatives हैं जो government लेती है, अलग अलग government लेती है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं fund आता है। तो अगर आपका political trend अच्छा है, international relationship अच्छे हैं, तो आप बाहर से fund को आकर्षित कर सकते हैं कि हम यहाँ पर sustainable development करेंगे, आप हमें फंड दीजिए। इम्पैक्ट ऑन प्लानिंग सिटीज में अलाइन देयर प्लानिंग स्ट्रेटजीज विद ग्लोबल ट्रेंड्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स में परस्यू पार्टनरशिप और एग्रीमेंट विद अदर रीजन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। तो जो बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास फंड आने लग गया, पॉलिटिकल लीडर अच्छे से काम करने लग गए, अच्छे से अपने देश को अपने एरिया को प्रेजेंट करने लग गए, तो कहीं ना कहीं हमें वो फंड मिल सकता है जिससे हम हमारे डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं। क्रिसिस मैनेजमेंट पॉलिटिकल लीडरशिप रिस्पॉन्स टू अर्बन क्रिसिस सच एज नेचुरल डिजास्टर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी आर ऑफन लीड बाय पॉलिटिकल लीडर्स। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती है, नेचुरल डिजास्टर, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, इनमें सबसे पहले जो पॉलिटिकल लीडर्स इनको लीड करते हैं कि आगे आकर अपनी भूमिका वो निभाएं, है ना। द इफेक्टिवनेस और इमरजेंसी प्लानिंग एंड रिस्पॉन्स कैन इन्फ्लुएंस बाय लीडरशिप एबिलिटी टू मेक स्विफ्ट एंड इन्फॉर्म डिसीजन ड्यूरिंग ए क्रिसिस। तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी जैसे कोरोना के टाइम पे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है हमारी बहुत अच्छा काम किया, भले ही वो स्टेट की पॉलिटिकल लीडरशिप हो या सेंट्रल की पॉलिटिकल लीडरशिप हो, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर हमें उनकी जो एबिलिटी है डिसीजन मेकिंग की जो पावर है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है।
अंडरस्टैंड द इंडिकेट रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड टाउन प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग रेजिलेंट सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव अर्बन एनवायरमेंट्स। इट अंडरस्कोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन पॉलिटिकल लीडर्स अर्बन प्लानर एंड कम्युनिटीज टू एड्रेस द कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस ऑफ अर्बनाइजेशन। तो ऑब्वियसली बात है कि पॉलिटिकल लीडर्स और उनकी विल पावर जो है, जो अर्बनाइजेशन के चैलेंजेस, कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस हैं, उनको दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। एनर्जी प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट, दोस्तों आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एनर्जी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स एनर्जी प्लानिंग स्ट्रेटेजिक प्रोसेस इंश्योर दैट इफिशियंट सस्टेनेबल एंड रिलायबल प्रोविजन ऑफ एनर्जी सोर्स टू मीट द नीड ऑफ ए कम्युनिटी रीजन और नेशन। इफेक्टिव एनर्जी प्लानिंग कंसिडर ए रेंज ऑफ फैक्टर इंक्लूडिंग एनर्जी सोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक कंसिडरेशन। हियर आर की एलिमेंट्स एंड स्ट्रेटेजीज इन्वॉल्व्ड इन एनर्जी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट्स। एनर्जी प्लानिंग जो है एक तरह से बोल सकते हैं किसी भी एरिया में, रीजन में बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, है ना। इफेक्टिव जिसमें एनर्जी के जो सोर्सेज हैं हमारे पास क्या क्या हैं, भले ही वो सन वाली एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो, वाटर एनर्जी हो, है ना, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसा है वहाँ पर, उसका एनवायरमेंटल पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है, इन सब के बारे में हमें जानना होता है। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले डेटा कलेक्शन एनालिसिस, असेसमेंट ऑफ एनर्जी डिमांड। अब आपके एरिया में कितनी एनर्जी की डिमांड है, एनर्जी जनरली से मैं बात करता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी की टर्म में आप एक साथ ले सकते हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो कितनी है, तो उसका आपको असेसमेंट करना पड़ेगा। रिसोर्स मैपिंग, आइडेंटिफाई मैपिंग अवेलेबल एनर्जी सोर्स इंक्लूडिंग रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो आपके पास उस एरिया में कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, रिन्यूएबल जैसे सन की एनर्जी, वाटर की एनर्जी, है ना, और नॉन रिन्यूएबल जैसे फ्यूल, लकड़ी, इस टाइप के जो नॉन रिन्यूएबल है ना, तो उनकी मैपिंग करनी पड़ेगी। आपको पता लगाना पड़ेगा कि आपके एरिया में कितना रिसोर्सेज अवेलेबल है ना। फिर पॉलिसी डेवलपमेंट, अब रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स हमें सेट करने पड़ेंगे, है ना, टू अडॉप्शन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जो भी हम सन के जो सोलर एनर्जी हैं, जो वाटर एनर्जी हैं, जो टाइडल एनर्जी हैं, जो विंड एनर्जी हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं हमें गोल सेट करने पड़ेंगे, टारगेट सेट करने पड़ेंगे। रेगुलेटरी एस्टेब्लिशिंग पॉलिसी एंड रेगुलेशन टू गाइड एनर्जी प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन। तो कोई भी एनर्जी प्रोडक्ट कर रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कंजप्शन करना है, उसके लिए कुछ ना कुछ हमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो क्रिएट करने पड़ेंगे। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेज, मिक्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, प्रमोटिंग ए बैलेंस्ड मिक्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग फॉसिल फ्यूल्स, रिन्यूएबल्स, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो इन सबको आप जो सोलर, विंड और हाइड्रो पावर की जो एनर्जी है ना, उसको फॉसिल फ्यूल और जो रिन्यूएबल्स नॉन रिन्यूएबल हैं उनके साथ आप मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट्स, स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस रिलायंस ऑन एनर्जी इम्पोर्ट एंड एनहेंस एनर्जी सिक्योरिटी। तो आपके एरिया में अगर कहीं से बिजली का आयात हो रहा है बाहर, है ना, तो उसको आपको डिपेंडेंसी को धीरे धीरे रिड्यूस करना है और एनर्जी की सिक्योरिटी को भी बढ़ाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, ग्रिड डेवलपमेंट प्लानिंग एंड अपग्रेडिंग एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल ग्रिड एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो जो भी ग्रिड के थ्रू, अलग अलग जाल के थ्रू, थंबों का जाल होता है बहुत आपने देखा होगा, उसके थ्रू जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसका डेवलपमेंट करना है। फिर स्टोरेज के सोल्यूशन, जैसे कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कहीं भी स्टोर नहीं हो पाती है ना, उसको मतलब इतनी पैदा हो रही है उसको उसी टाइम आपको यूज़ करना होता है। स्टोरेज टेक्नोलॉजी टू मैनेज फ्लक्चुएशन इन रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन। तो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन में हम उस जो फ्लक्चुएशन है उसका ध्यान में रखते हुए एनर्जी स्टोरेज की जो हमारी कैपेसिटीज है उनको बढ़ाना होगा। एनर्जी इफिशियंसी डिमांड साइड मैनेजमेंट, इंप्लीमेंटिंग मेजर्स टू इंप्रूव एनर्जी इफिशियंसी एंड रिड्यूस ओवरऑल एनर्जी डिमांड। तो हमें गवर्नमेंट को भी ऐसे इनिशिएटिव लेने होंगे, जैसे बीच में आपने गवर्नमेंट ने देखा होगा कि CFL प्रोवाइड किए थे सब घरों में, है ना, वो फ्री में आपको 2 CFL दे रहे थे, 10 रुपये में, 15 रुपये में, इस टाइप से CFL दे रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं एनर्जी की जो डिमांड है उसको रिड्यूस करने के लिए स्कीम लाई गई थी। एनर्जी कंजर्वेशन प्रोग्राम, एनकरेजिंग एनर्जी सेविंग प्रैक्टिस इन रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो जो भी एनर्जी सेविंग प्रैक्टिस है रेजिडेंशियल एरिया में, कमर्शियल एरिया में, इंडस्ट्रियल एरिया में, उनको आपको प्रोग्राम्स को लोगों को एजुकेट करना चाहिए और उसके लिए उनको प्रैक्टिस करानी चाहिए कि भैया आप ये चीज़ें यूज़ करें, आप CFL का यूज़ करेंगे, है ना, जो आजकल नई LED लाइट्स आ गई हैं आप उनका यूज़ करेंगे जिससे एनर्जी का जो कंजप्शन है वो कम से कम हो। साथ ही आप कुछ पर्टिकुलर टाइम है वहाँ पर घर की डिज़ाइन आप ऐसी करिए कि सोलर एनर्जी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन, इंसेंटिव्स फॉर रिन्यूएबल्स, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज टू प्रमोट अडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज। अगर कोई भी अपने घर पे जो है सोलर पावर कंजप्शन के सोलर पावर प्लांट लगाता है
या विंड में कुछ हेल्प करता है, या रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वो भी पानी बचाने का काम करता है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हम एक फाइनेंशियल इंसेंटिव्स उनको दे सकते हैं, है ना। गवर्नमेंट क्या करती है कि जैसे आप आपके यहाँ पर सोलर पैनल लगवाते हो ना छत के ऊपर, तो आप जैसे आपके जो कमर्शियल रेट है वो तो 8 से 10 रुपये पर यूनिट बिजली कमर्शियल रेट है, लेकिन इससे जो बिजली पैदा हो रही है 3 से 4 रुपये की जो यूनिट है, गवर्नमेंट आपसे बिजली खरीद लेती है 3 से 4 रुपये प्रति यूनिट में, और वापस से घूम के 8 से 10 रुपये में वो आपको दे देती है। इससे क्या होगा कि आपका बिल जो है लगभग आधा हो जाता है, कहीं जगह 70% घट जाता है, 80% घट जाता है, और शुरू में वो 50,000 रुपये तक की इसमें आपको सब्सिडी भी प्रोवाइड कर देती है गवर्नमेंट, है ना। तो इससे कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है जहाँ पर अगर आप सनी एरिया में रहते हैं तो। इंटीग्रेशन डेवलपिंग स्टडी फॉर सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंटू एक्जिस्टिंग एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो सोलर एनर्जी है, जो विंड एनर्जी है, उनका हम एक तरह से जो अभी एग्जिस्टिंग एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर हम उनका इंटीग्रेट कर पाएँ, अच्छे से मिक्स कर पाएँ। स्मार्ट ग्रीन एंड टेक्नोलॉजी, स्मार्ट मीटरिंग, डिप्लोइंग स्मार्ट मीटर फॉर रियल टाइमिंग मॉनिटरिंग ऑफ एनर्जी कंजप्शन, ग्रिड ऑटोमेशन, इनकॉर्पोरेटिंग ऑटोमेशन, एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर इफिशियंट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनेजमेंट। तो आपके घरों में जो है प्रॉपर बिजली पहुंच जाए, इफिशियंट तरीके से बिजली पहुंच जाए, तो उसके लिए ग्रिड का प्रॉपर ऑटोमेशन होना चाहिए कि आपने एक बटन दबाया और सारा का सारा काम ईजिली हो जाए। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, सस्टेनेबिलिटी कंसिडरेशन, इवेल्यूटिंग द एन्वायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, इंश्योरिंग सस्टेनेबिलिटी। तो जो जो भी एनर्जी प्रोडक्ट आप आपके यहाँ पर ला रहे हैं डेवलप करने के लिए, उनका एन्वायरमेंट पे क्या इंपैक्ट आने वाला है और उसकी सस्टेनेबिलिटी हमें इंश्योर करनी पड़ेगी। मिटिगेशन मेजर्स, इंप्लीमेंटिंग मेजर्स टू मिनिमाइज एडवर्स एन्वायरमेंटल इफेक्ट पार्टिकुलरली फॉर फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सोर्सेज। जो फॉसिल फ्यूल एनर्जी बेस्ड सोर्सेज हैं उनको कम करना है ना, और जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है उसको मिनिमाइज करने की तरफ काम करना है। कम्युनिटी इंगेजमेंट, पब्लिक अवेयरनेस, जो भी रिन्यूएबल एनर्जीज हैं उनके बेनिफिट पब्लिक को समझाना और एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ उन्हें एजुकेट करना। लोकल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, डिसीजन मेकिंग में बहुत काम करता है, आपको मैंने कई बार बताया है। इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, कोलाबरेटिंग विद प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज टू फंड द इंप्लीमेंट एनर्जी प्रोजेक्ट्स। जो भी एनर्जी प्रोजेक्ट आप सरकार लगाना चाह रही है, भले वो हाइड्रो पावर का हो, भले वो विंड पावर का हो, भले वो सोलर पावर का हो, तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो प्राइवेट है ना, उनसे वो पार्टनरशिप करके लगा सकते हैं। इंसेंटिव प्रोग्राम्स ओवर फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड सब्सिडीज टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी सेक्टर। तो जो भी एनर्जी सेक्टर है उसके अंदर फाइनेंशियल जो इंसेंटिव्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किए जा सकते हैं। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, डेवलपिंग कंटिजेंसी प्लान फॉर एनर्जी सप्लाई ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड नेचुरल डिजास्टर। अगर एक प्लान आपके पास हमेशा रेडी होना चाहिए कि इनकेस अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, ब्लड फ्लड आ जाती है या भूकंप आ जाता है ना, तो उस केस में आपके पास एक एनर्जी बैकअप प्लान होना चाहिए, एक बैकअप सिस्टम होना चाहिए जो कि क्रिटिकल सिचुएशन में आपको कुछ ना कुछ बिजली की सप्लाई कर पाए। इंटरनेशनल कोलाबोरेशन, ग्लोबल पार्टनरशिप, कोलाबरेटिंग विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड नेबरिंग कंट्रीज फॉर शेयर्ड एनर्जी रिसोर्सेज एंड सोल्यूशन। टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होना चाहिए, कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है एनर्जी रिलेटेड तो वहाँ के एक्सपर्ट्स आके उस लोकल को वो सिखा के जाएंगे। पॉलिसी इवोल्यूशन एंड एडजस्टमेंट, मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट, रेगुलरली इवोल्यूटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एनर्जी पॉलिसीज प्रोजेक्ट। जो भी एनर्जी के जो पॉलिसी प्रोजेक्ट हैं उनका मॉनिटर करना, उनका असेसमेंट करना, उनका इवोल्यूट करना कि ये अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। और अडेप्टिव मैनेजमेंट, हमें जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको अडॉप्ट करते हुए आगे बढ़ना है। रिसर्च एंड इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सपोर्टिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इमर्जिंग एनर्जी टेक्नोलॉजी। जो भी एनर्जी टेक्नोलॉजी है इमर्जिंग, उसमें हमें रिसर्च और डेवलपमेंट को सपोर्ट करना है, उसके लिए फंड प्रोवाइड करना है। इनोवेशन, एस्टेब्लिशिंग सेंटर फॉर इनोवेशन एंड कोलाबोरेशन टू ड्राइव एडवांसमेंट इन एनर्जी सेक्टर। तो जो इनोवेशन एंड कोलाबोरेशन टू, जो भी एडवांसमेंट हो रहे हैं एनर्जी सेक्टर में, उनके लिए हमें कुछ इनोवेशन हब्स जो हैं वो डिक्लेयर करने बनाने हैं। इफेक्टिव एनर्जी मैनेजमेंट एंड प्लानिंग आर क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग रिलायबल, सस्टेनेबल एंड अफोर्डेबल एनर्जी सप्लाईज वाइल एड्रेसिंग एनवायरमेंटल कंसर्न एंड प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कंटिन्यूस असेसमेंट, अडॉप्शन एंड कोलाबोरेशन विद वेरियस स्टेक होल्डर आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ सक्सेसफुल एनर्जी प्लानिंग इनिशिएटिव। जो भी सक्सेसफुल एनर्जी प्लानिंग इनिशिएटिव हैं उनके लिए एक तरह से बोल सकते हैं कि उनका जो भी कंटिन्यू असेसमेंट, अडेप्शन और कोलाबोरेशन जो अलग अलग स्टेक होल्डर है, भले हो गवर्नमेंट हो, लोकल हो, कम्युनिटी हो, उनके बीच में बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि जो प्लानिंग है एनर्जी की वो सक्सेसफुल हो सके। प्लान पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज इन टाउन प्लानिंग। दोस्तों आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं। प्लान पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज इन टाउन प्लानिंग, आइडेंटिफाई एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग कंडीशन, जो करंट पॉपुलेशन की क्या स्थिति है, लैंड यूज़ कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा खराब हो चुका है, डिट्रूट हो चुका है और एनवायरमेंटल कंडीशन है, उन सबको हमें एनालाइज करना है। फिर
डेवलपिंग ए विजन फॉर द फ्यूचर, सेटिंग लॉन्ग टर्म गोल्स, टाउन डेवलपमेंट सच एज क्रिएटिंग मोर सस्टेनेबल इंक्लूसिव एंड प्रॉस्परस कम्युनिटी। तो इस टाइप से हमें जो हमारी कम्युनिटी है वो अच्छे से सस्टेनेबल रहे, सभी लोग इंक्लूसिव होकर काम करें और सभी लोग एक खुशी की तरफ आगे बढ़ें, तो ऐसा हमें एक फ्यूचर का विज़न तैयार करना होगा। फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी एंड स्ट्रेटजीज, दिस इन्वॉल्व डेवलपिंग ए सेट ऑफ पॉलिसी एंड स्ट्रेटजीज टू अचीव दी टाउन विज़न। जो भी टाउन का विज़न है उसको ध्यान में रखते हुए हमें पॉलिसीज डेवलप करनी पड़ेगी। दिस पॉलिसी एंड स्ट्रेटजीज में कवर ए वाइड रेंज ऑफ टॉपिक सच एज लैंड यूज, ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो हमारी जो ये पॉलिसीज हैं इस टाइप का हमें उसमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। इंप्लीमेंटिंग इन द प्लान, दिस इन्वॉल्व्स पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन थ्रू ए वैरायटी ऑफ मीन्स सच एज जोनिंग, रेगुलेशन, डेवलपमेंट इंसेंटिव्स एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट। जो प्लान बन गया है उसे हमें गवर्नमेंट से फंड पासित कराना पड़ेगा, जोनिंग रेगुलेशन लगाने पड़ेंगे, इंसेंटिव्स को डेवलप करना पड़ेगा, पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना पड़ेगा और उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ टाउन प्लानिंग इज डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो कि जनरली 15 से 20 साल के लिए बनाया जाता है, उसका डेवलप करना, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आर लॉन्ग रेंज डॉक्यूमेंट दैट गाइड डेवलपमेंट टाउन सिटी ओवर ए 20-30 ईयर पीरियड, है ना, मैंने 15 से 20 बोला, 20 से 30 साल के लिए गाइड करते हैं। दे टिपिकली इंक्लूड ए स्टेटमेंट ऑफ गोल एंड ऑब्जेक्टिव एंड एनालाइज एग्जिस्टिंग कंडीशन एंड सेट ऑफ पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज टू अचीविंग द टाउन्स विजन। अब आपके टाउन ने किया कि एक विजन किया कि 2027 तक हमारा जो टाउन है वाटर की जो स्केयरसिटी, हर घर के आसपास या हर कॉलोनी के आसपास, हर 5 घरों के आसपास एक रेन वाटर सिस्टम हम अवेलेबल करेंगे और हमारी जो सिटी को है मतलब पानी की यहाँ प्रॉब्लम आती है, तो 27 के बाद हमारे यहाँ पर कभी भी पानी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब उसके लिए आपको एक फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ेगा, पॉलिसी तैयार करनी पड़ेगी, लोगों को फोर्स भी करना पड़ेगा, समझाना भी पड़ेगा, एजुकेशन इनिशिएटिव भी लगाने पड़ेंगे, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर दी ऑल अदर प्लानिंग एक्टिविटीज़, दे हेल्प टू इंश्योर दैट ऑल प्लानिंग एफर्ट्स आर कोऑर्डिनेटेड एंड दे आर वर्किंग टूवर्ड्स ए कॉमन गोल। तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में क्या हो रहा है कि प्रॉपर प्लानिंग हो रही है, प्रॉपर फ्रेमवर्क बना हुआ है और सबकी सब एक कॉमन गोल की तरफ काम कर रहे हैं। ऑल्सो प्रोवाइड ए वे फॉर कम्युनिटीज टू इंगेज इन अ डायलॉग अबाउट देयर फ्यूचर एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट हाउ दे वांट टू ग्रो एंड डेवलप। तो जो सिटीज़ हैं, जो एरियाज हैं, वो कैसे डेवलप करना चाहते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं आपको पता लग जाता है। इन एडिशन टू कॉम्प्रिहेंसिव प्लान देर आर नंबर ऑफ अदर टाइप ऑफ प्लान एंड पॉलिसीज देट आर यूज इन टाउन प्लानिंग, दिस इंक्लूड। दोस्तों आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जोनिंग रेगुलेशन आर यूज टू कंट्रोल द यूज ऑफ लैंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ टाउन सिटी, द टिपिकली स्पेसिफाई द टाइप्स ऑफ यूजेस दैट आर अलाउड इन ई जोन एज वेल एज द डेंसिटी एंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग। आप अलग अलग जोनिंग डिसाइड कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा डेंसिटी हम एक घर में अलाउ नहीं करेंगे, मतलब डेंसिटी मतलब नए घर नहीं बनेंगे, तो लोग एक लिमिट तक ही बढ़ सकते हैं कि यार 1000 लोग एक पर्टिकुलर एक स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं, आपने वहाँ पर कोई नई ज़मीन अलॉट नहीं करी, नए प्लान आपने सेंक्शन नहीं करे, तो 1000 के मान लीजिए ज़्यादा ज़्यादा 1200 हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि 1000 के 8000 हो गए, है ना। तो वो जोनिंग रेगुलेशन हमें लगाने से हाइट ऑफ बिल्डिंग आप रेगुलेट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर हाइट से 2 मंजिला 3 मंजिला से ज़्यादा लंबी बिल्डिंग नहीं बनेगी। इंसेंटिव्स को डेवलपमेंट करना पड़ेगा, अफोर्डेबल हाउसिंग, मिक्स यूज डेवलपमेंट, टैक्स को मतलब है ना डेंसिटी के बोनस और अदर फाइनेंशियल बेनिफिट्स हम लोग दे सकते हैं। पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जो रोड बन रहे हैं, जो ब्रिज बन रहे हैं, जो पार्क बन रहे हैं, उसके अंदर पब्लिक इन्वेस्टमेंट को हम बढ़ावा दे सकते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग एंड अदर पब्लिक फैसिलिटीज़ में भी पब्लिक जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। गाइडलाइन डिज़ाइन कर सकते हैं, डिज़ाइन गाइडलाइंस आर यूज टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड दी डिजाइन ऑफ बिल्डिंग एंड अदर स्ट्रक्चर इन पर्टिकुलर एरिया, दे मे कवर ए रेंज ऑफ टॉपिक्स सच एज आर्किटेक्चर स्टाइल, लैंडस्केपिंग एंड साइनेज। अब कोई सिटी वाला एरिया है, ओल्ड सिटी वाला एरिया है, तो वहाँ पर आपने फिक्स कर दिया कि यहाँ पर जो भी घर बनेगा उनका आर्किटेक्चरल स्टाइल इस टाइप का होगा, कोटा स्टोन लगेगा, है ना, संगमरमर लगेगा, लैंडस्केप हैगा, साइनेज को आप एक पर्टिकुलर टाइप दे सकते हैं, है ना। तो इस टाइप से कुछ गाइडलाइंस आप वहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। टाउन प्लानिंग इज ए कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी फेसेस प्रोसेस, टाउन प्लानिंग केवल एक ही फेस का प्रोसेस नहीं, बहुत सारे इसमें स्टेक होल्डर्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है, ऑफिशियल प्लानर होते हैं, डेवलपर होते हैं, रहने वाले लोग होते हैं, ये सब लोग मिलकर काम करेंगे जो कम्युनिटी नीड्स को फुलफिल करें, है ना। तो धीरे धीरे कई सालों में टाउन का जो डेवलपमेंट है वो हमें देखने को मिलता है। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर सक्सेसफुल टाउन प्लानिंग प्रोजेक्ट अराउंड दी वर्ल्ड। आइए जानते हैं कौन कौन से ऐसे टाउन प्लानिंग प्रोजेक्ट हैं सक्सेसफुल हैं जो पूरे वर्ल्ड के अराउंड, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। कोपेनहेगन डेनमार्क, कोपेनहेगन इज नोन फॉर इट्स कमिटमेंट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द सिटी इज इम्प्लीमेंट नंबर ऑफ पॉलिसी एंड प्रोजेक्ट टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट सच एज इन्वेस्टिंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, क्रिएटिंग ए नेटवर्क ऑफ बाइक लेन्स। तो इन्होंने क्या किया,
सब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर बहुत अच्छा काम किया कोपेनहेगन ने कि हमें जो है कार्बन फुटप्रिंट, हमारे यहाँ से जो कार्बन फुटप्रिंट जो गैसेस निकलती है उस पर हमें काम करना है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इन्होंने इतना अच्छा बना दिया कि आपके घर के बाहर से आपको ट्राम या जो लोकल रेल है या बस है वो मिल जाएगी और आपको आपके ऑफिस तक वो छोड़ देगी। साथ ही इन्होंने साइकिल के अलग से लेन प्रोवाइड करी है। मेडेलिन कोलंबिया मॉडर्न कॉलेज अंडरगोन ए ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन रिसेंट डिकेड्स फ्रॉम सिटी प्लॉक्ड बाय वॉयलेंस टू ए वाइब्रेंट इनोवेटिव हब्स। तो जहाँ पर झगड़े होते थे, मतलब ऐसे वॉयलेंस देखने को मिलती थी, वहाँ से अब वो एक इनोवेटिव हब बन चुकी है ना। नंबर ऑफ अर्बन प्लानिंग प्रोजेक्ट हैं सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल कार टू कनेक्ट पुअर नेबर्स टू द सिटी सेंटर एंड द क्रिएटिंग ऑफ पब्लिक स्पेस दैट इंक्रेज सोशल इंट्रेक्शन। तो इन्होंने क्या किया, अच्छे बड़े बड़े पार्क बना दिए ताकि लोग वहाँ पर मिलें आपस में, है ना, एक दूसरे से, और ऐसे केबल कार को कनेक्ट किया जो पुअर नेबरहुड्स हैं उसको सिटी सेंटर से, तो लोग इजीली सिटी सेंटर में आया जा सकते हैं। न्यूयॉर्क सिटी यूएसए, न्यूयॉर्क सिटी इज़ ए ग्लोबल सिटी विच विद अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इनोवेटिव्स अर्बन प्लानिंग। द सिटी हैज़ इम्प्लीमेंटेड ए नंबर ऑफ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स सच एज सेंट्रल पार्क बनाए उन्होंने, टाइम स्क्वायर बनाया है ना, न्यूयॉर्क सिटीज में सबसे फेमस जो जगह है वो क्या है, टाइम स्क्वायर है। तो इस टाइप से उन्होंने अर्बन प्लानिंग के कुछ इनिशिएटिव लिए हैं जो कि एक पर्टिकुलर गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दीज आर जस्ट ए फ्यू एग्जाम्पल ऑफ द मैनी सक्सेसफुल टाउन प्लानिंग प्रोजेक्ट दैट हैव बीन इम्प्लीमेंटेड अराउंड द वर्ल्ड। टाउन प्लानिंग कैन बी अ पावरफुल टूल फॉर क्रिएटिंग बेटर साइट सिटीज कम्युनिटीज। बी केयरफुली कंसिडरिंग द नीड्स ऑफ देयर सिटीजन डेवलपिंग कम्प्रिहेंसिव प्लान टाउन एंड सिटीज कैन क्रिएट ए मोर सस्टेनेबल इनकल्सिव एंड प्रॉस्परस फ्यूचर। तो टाउन प्लानिंग बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत तरीके से इसमें अलग अलग तरीके से काम किया जाता है और एक प्रॉस्परस फ्यूचर की तरफ हमें काम करना है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है और आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो बहुत गलत बात है। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाएं क्लिक करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।